एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की दुनिया में परिस्थितियां कुछ इस प्रकार करवट बदल रही हैं कि दुनिया जब परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ रही है तो ज़रूरत है एक ऐसे माइंड की जो उन लोगों को शक्तियां प्रदान कर सके जिन्हें अपनी बुद्धि के द्वारा इस दुनिया में एक नई क्रांति लानी है। ऐसे बहुत सारे हमारी इस दुनिया पर, धरती पर लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि का, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके इस दुनिया को एक नई क्रांति की मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया, या यूं कहिए अपनी विचारधारा से पूरी दुनिया को एक नई राह दी। एक ऐसे इंसान जिनके पास असीम शक्तियां हो और जो आज ब्रिलियंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोल्स के पीछे अपना माइंड पावर लगा सके, ताकि उसके पावर ऑफ माइंड के द्वारा न्यू आइडियोलॉजी के साथ पूरी दुनिया परिवर्तन के उस दौर को महसूस करे जिसे आज हर कोई महसूस करना चाहता है। ना सिर्फ महसूस करना चाहता है बल्कि आज हर कोई चाहता है कि वास्तव में हमारी दुनिया एक नए दौर का स्वागत करे, एक नए युग का स्वागत करे। सर आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन एवं निकोला टेस्ला, ये तीन नाम ऐसे जिन्हें हम क्रिएटिव और इनोवेटिव ह्यूमंस की श्रेणी में रखते हैं। ये साधारण मानव नहीं थे, मानव के रूप में असाधारण शक्तियों के मालिक। एक बार जब आइजक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया कि आप किस तरह से अपने ब्रेन का इस कदर इस्तेमाल कर लेते हैं कि दुनिया आपकी दीवानी होती जा रही है, तब उन्होंने कहा, हमें नहीं पता कि वास्तव में कौन सी वो अनजानी शक्ति है जो हमें नई राह दिखलाती है, प्रेरित करती है, हमें इंस्पिरेशन मिलता है और मैं अपना काम करता जाता हूँ। आज के युग में ऐसा कोई साधारण इंसान या असाधारण नहीं हो सकता जिसके पास इतनी माइंड पावर की ताकत हो, स्ट्रेंथ हो, कि जो पूरी दुनिया को एक नई राह पर चलने के लिए प्रेरणा दे सके। क्योंकि आज का इंसान एक दूसरे में इंसानियत ढूंढ तो रहा है लेकिन देख नहीं पा रहा है। आज मानव धर्म निभाना भूल गया है, कारण स्वार्थ लालच के कुएं में वो नीचे गिरता ही चला जा रहा है और कहां तक गिरेगा ये उसे भी नहीं पता। इसलिए आज जब दुनिया परिवर्तन के दौर को न सिर्फ अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहती है, तो इनोवेटिव आइडियाज़ जिनके पास हैं उन्हें भी ज़रूरत है एक ऐसे माइंड पावर की जो उन्हें समय समय पर गाइड कर सके। यानी इनविजिबल होकर भी उन्हें वो लगे उन इंसानों को कि उनके पास कोई अनजानी दिव्य शक्ति है जो उनके द्वारा काम करवा रही है परिवर्तन का। कल की अवतार से बेहतर विकल्प आज के युग में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव अवतार तो हैं लेकिन उनकी क्रिएटिविटी और उनकी इनोवेटिव आइडियाज़ आज दुनिया यदि इस्तेमाल करें, उनसे इंस्पिरेशन लेकर, तो हमारी दुनिया को एक ऐसा नया युग देखने को मिलेगा जिसे आज देखने के लिए दुनिया तरस रही है। कभी हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, कभी हमारे देश में, पूरे संसार में एक ऐसा युग था जिसे हमने कहा सतयुग, कारण सुख चैन शांति हर तरफ और हर तरफ खुशी भरा माहौल, ना कहीं गरीबी, ना कहीं दुख और दर्द, क्योंकि हर एक आत्मा पवित्रता के उस दौर से गुजरी जिसमें जन्म लेना इंसान बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता है। तो आज के इंसानों को भी परिवर्तन चाहिए, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें रहकर
वो अपने आप में बदलाव महसूस कर सके। तो एक ऐसी माइंड पावर हर एक ब्रिलियंट सोल के पीछे, वो कल्कि अवतार के अलावा किसी और का माइंड इस धरा पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3D में जन्म लेते ही और कलयुग में रहते हुए नेगेटिविटी इंसान के दिमाग पर चढ़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कलयुग वो युग है जहाँ पर जिसने भी जन्म लिया नकारात्मक सोच, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करे और रहे भी, लेकिन कहीं ना कहीं से वो नेगेटिविटी के आगोश में चला ही जाएगा। कल्कि देव जो परशुराम के सानिध्य में रहकर जिन्होंने उन असीम शक्तियों को प्राप्त किया, भगवान शिव शक्ति का आशीर्वाद जिन्हें मिला, जिन्हें अपने धार्मिक गुरु का आशीर्वाद मिला, जिनके साथ स्वयं सुखदेव हों, ऐसे असीम शक्तियों वाले दिव्य अवतार मानव अवतार असाधारण नहीं, बल्कि एक विशेष अवतार जो इस मानव शरीर में धरा पर आए हैं, जिन पर नकारात्मक विचारधारा या नेगेटिविटी किसी भी प्रकार से हमला नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी पॉजिटिविटी की दीवार ही इतनी मोटी है कि उसे भेद पाना आसान नहीं है। ऐसे ही इंसान की, ऐसे ही दिव्य अवतार की जो सुप्रीम माइंड पावर रहेगी, वो ब्रिलियंट सोल को राह दिखाएगी, ताकि वो हमारे देश में उस क्रांति की ज्वाला को भड़का सके, जिसके पश्चात एक नए युग का आगमन हो। आज POK में बहुत बड़ी लोगों की आवाज़ें उठने शुरू हो गई हैं, बहुत उच्च स्तर पर आज लोग भारतवर्ष से जुड़ना चाहते हैं। POK कभी हमारा ही हिस्सा था, लेकिन आज लोगों में चेतना जागृत हुई, आज लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, तो हमारे देश के ही लोग हमारे देश के विरुद्ध जाकर अपनी आवाज़ें जहां बुलंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में और पूरे संसार में ऐसे ब्रिलियंट सोल्स आज भी मौजूद हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, अपनी सोच के द्वारा इस दुनिया में एक नई क्रांति की ज्वाला जलाना चाहते हैं, ताकि लोग उस परिवर्तन को महसूस करें और अपने आप को परिवर्तित करें एक नई विचारधारा के साथ। तो ऐसे लोगों को राह दिखलाने के लिए कल्कि अवतार की माइंड पावर, वो स्ट्रेंथ इन लोगों को प्रदान करेगी, जिसके द्वारा कल्कि अवतार जो उन्हें करवाना है इन सोल्स के ज़रिए वो करवाएंगे, और दुनिया एक परिवर्तन के दौर से निकलकर सतयुग की ओर आगमन करेगी, यानी सतयुग की ओर जाएगी, प्रस्थान करेगी। लेकिन सतयुग का आगमन इतनी जल्दी नहीं होने वाला, उसके पहले बहुत सारी घटनाएं घटित होंगी। सूर्य का उजाला दिन, सतयुग का प्रकाश, सतयुग की सुबह आने में बहुत समय है, क्योंकि उसके पहले काली अंधेरी रात कलयुग की कुछ इस कदर छाई हुई है कि उसे हटा पाना इंसान के वश की बात नहीं है। तो जो ब्रिलियंट सोल्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट सोल्स कार्य करना चाहते हैं, अपने प्रयासों के फलस्वरूप पूरी दुनिया में एक नए युग की शुरुआत करना चाहते हैं, वो सोल्स काम करेंगी कल्कि अवतार के पावर के साथ, यानी उन सबके कार्यों के पीछे जो मेन माइंड पावर रहेगी, मास्टर माइंड जो रहेंगे, जो कि अपने डिवाइन विजडम से उन लोगों को जो कि इस धरती की भलाई के लिए काम करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगे जिनके ऊपर किसी भी नेगेटिविटी का असर नहीं होगा, और पूरी तरह से सुरक्षित रखकर वो पूरी दुनिया में एक नया सवेरा लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।